अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ उमर इब्राहिम कॉर्पोरेशन गुजरांवाला से अभी आपके सामने एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं, किचन स्टव, किचन हब्स भी बोलते हैं ये, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे हम दिखाएंगे आपको किचन जो है ना गैस स्टव है, ये ग्लास में, ग्लास के अंदर है ये, और ये ग्लास लगा हुआ है 10 mm जो है ना वो ग्लास लगा हुआ, टेम्पर ग्लास है ये, ठीक है। कंपनी वेलकम कंपनी का ये, और इसमें जो है ना 3 burner है, इटालियन मॉडल है ये। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये इटालियन मॉडल में है, वेलकम कंपनी की बनी हुई है। और साइज़ की इसकी जो है ना वो बात करें, साइज़ में ये जो है 34 inch इसकी जो है ना ये लंबाई है, और 20 inch इसकी जो है ना वो चौड़ाई है। और प्रोडक्ट के हवाले से ये जो है ना इसकी जो ये जाली लगाई हुई है, ये देखिए जो जाली है, हैवी जाली है, हैवी ड्यूटी जाली है इसकी। और ये जो एक टिक्की लगाई हुई है ब्रास की, ये टिक्की है, उसके ऊपर जो है ना वो क्रोम जो है ना वो प्लेटेड की हुई है इसके ऊपर। और इसके अलावा जो है ना ये आप देख रहे हैं सारी 3 burner के अंदर है, और ये ऑटो ऑपरेट है। ये देखिए जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्पार्क कर रहा है यहाँ से ना, ये चेतन हो जाए ना, ऑटो ऑपरेट है। और इसमें इंस्टॉलेशन जो हमारे पास आती है वो नेचुरल गैस आती है और LPG आती है, तो वो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने ये किस हवाले से इंस्टॉलेशन करनी है। अगर आपने नेचुरल गैस की इंस्टॉलेशन करनी है तो वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है। अगर कोई कस्टमर LPG के अंदर इंस्टॉल करना चाहे तो उसको हम जो है ना वो फैक्ट्री से जो है ना वो LPG के फेट लगा के तो इंस्टॉलेशन का जो है ना मुकम्मल प्रोसेस इसके अंदर हो जाता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है ना ये नेशनल कंपनी के हब है, स्टेनलेस स्टील के अंदर है ये, ये भी 3 burner के अंदर है, तो ये बड़ी प्यारी और खूबसूरत हब बनी हुई है। इसमें ब्लैक बॉडी, ये जो ब्लैक शीट स्टेनलेस स्टील की लगी हुई है, और इसमें जो है ना वो सिल्वर बॉडी, दोनों कलरों में मौजूद होती है हमारे पास। सेम इसी तरह ही है, ये 3 burner है, और इसकी जो जाली है ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी वजन जो है ना बर्दाश्त कर लेगी, और ये हैवी ड्यूटी है, इतनी जल्दी टूटेगी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वजन बर्दाश्त कर लेगी। सेम यही है, और दरमियान वाली जो जाली है ये ग्रिल स्टाइल की बनाई हुई है, इसके ऊपर जो है ना आप जितना मर्जी वजन डाल सकते हैं। नॉर्मल जो जाली है दरमियान वाली वो तकरीबन छोटी होती हैं, इस कंपनी ने जो बड़ी जाली लगाई हुई है। और सिंपली ये भी जो है ना वो ऑटो ऑपरेटेड है, सेलिंग स्टार होता है इसके अंदर, और ये भी मार्बल के अंदर फिक्स होती है। और इसके साइज की बात करें तो साइज इसका जो है ना 31 inch, इसकी जो लंबाई है 31 inch है, ठीक है, और चौड़ाई जो है ना इसकी वो 18 inch होगी। तो सिंपली इसकी जो फिटिंग की आपको बताई है, इसमें जो है ना वो टिक्की ब्रास की लगी हुई है, पर इसके ऊपर जो है ना वो क्रोम कोटिंग जो है ना वो नहीं की हुई इसके ऊपर, ये वैसे ही ब्रास कलर नजर आ रहा है, गोल्डन कलर नजर आ रहा होगा आपको। और नेक्स्ट जो हब हम दिखाने वाले हैं आपको वो है इटालियन मॉडल है, अच्छी कंपनी की हब है, 5 burner के अंदर जो है ना आजकल जो लग्जरी जो है ना वो घर बन रहे हैं, बड़े घर बन रहे हैं, उसके अंदर जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें वहां पे जो है ना ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है। 5 burner जो है ना इसका जो है ना हब बोलते हैं। सिंपली ये भी जो है ना वो सेलिब्रेटेड है, इसके अंदर जो सेल इंस्टॉल होगा, लंबाई इसकी जो है ना वो 31 inch होगी, और सॉरी 34 inch इसकी लंबाई है, ये बड़ी हब है, बड़ी हब है ये, इसकी 34 inch लंबाई है और 20 inch इसकी चढ़ाई है। और मैंने कटिंग साइज आपको किसी जो है ना हब का नहीं बताया, जो मैं साइज बता रहा हूँ इससे जो है ना 1-1.5 inch जो है ना वो लंबाई में फर्क आएगा, और चौड़ाई में भी 1-1.5 inch फर्क आएगा कटिंग साइज के अंदर। और इसमें सिंपली 5 burner है, 5 जो है ना बर्नर है इसके अंदर, आप देख रहे हैं 5 चूल्हे लगे हुए हैं, जाली आप देख सकते हैं अच्छी जाली है, हैवी ड्यूटी जाली है इसके अंदर भी लगी हुई, तो जितना मर्जी वजन डालें बर्दाश्त कर लेगी ये। और इसमें जो है ना 4 burner जो है ना वो छोटे लगे हुए हैं, और एक दरमियाना वाला जो बर्नर है जो रेगुलर यूज होना है, मसलन के अगर आपने सिर्फ एक ही यूज करना है तो ये एक इस्तेमाल के लिए अच्छा जो है ना वो बर्नर दरमियान में लगाया हुआ है, नॉर्मल जो है ना वो 5 burner छोटे लगाए हुए हैं। ये भी जो है ना ब्रास की है, ये जो टिक्की लगाई हुई है उसके ऊपर, ये टोटली ब्रास की है, ब्रास करने के बाद जो है ना ये ब्रास पॉलिशिंग के बाद इसको जो है ना उन्होंने पॉलिश क्रोम प्लेटेड निकल क्रोम किया हुआ है इसके ऊपर, ये भी जो है ना वो सिंपली जो है ना वो सेलिब्रेटेड है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास स्टेनलेस स्टील में मॉडल आ जाते हैं, मॉडल हमारे पास काफ़ी है, बस टाइम शॉर्ट की वजह से आपको थोड़ा सा रिव्यू देंगे। इसमें हमारे पास जो है ना ये इलेक्ट्रॉन कंपनी है, इलेक्ट्रॉन कंपनी है, इसमें ये जो है ना नेशनल कंपनी भी आती है, इलेक्ट्रॉन कंपनी भी आती है, ये दोनों कंपनी एक ही मॉडल तैयार करती हैं। इसमें ये जो है ना ये देखें आपके सामने जो है ना जाली है, हैवी ड्यूटी है, ये पैकिंग है, ये हैवी ड्यूटी है, जाली भी इसकी काफ़ी वजनी है, काफ़ी हैवी वेट है इसका, और सिंपली ये भी सेल्फ ऑपरेटेड है,
स्टीलनेस स्टील है, बॉडी इसकी जो है ना वो स्टीलनेस स्टील की बनी हुई है, ऊपर रस्ट प्रूफ हो गई ये वाली बॉडी जो है ना, रस्ट प्रूफ होगी और हैवी ड्यूटी होगा 3 बर्नर, ठीक है। दरमियान वाला भी उन्होंने बढ़ा दिया हुआ है एज इक्वल, अक्सर कस्टमर जो है ना वो पसंद करते हैं कि उन्हें जो है ना वो इक्वल लेवल में जो है ना वो हब चाहिए होती हैं, यानी कि तीनों बर्नर जो है ना एक लेवल के उन्हें चाहिए होते हैं। इसमें जैसे ये है, जैसे जो है ना लेफ्ट राइट है, दरमियान वाला भी वही साइज के अंदर जो है ना उन्होंने बर्नर तैयार किया हुआ है। और ये भी जो है ना ब्रास, ब्रास की जो है ना वो शाइनिंग नजर आ रही है, ब्रास की टिक्की का जंग नहीं लगेगा इसको, इंशाल्लाह लाइफ टाइम गारंटी होगी जंग लगने की टिक्की की, ठीक है। और पॉलिश की हुई है ब्रास के ऊपर, गोल्डन कलर नजर आ रहा है। और इसके अलावा सेम इसी कंपनी के मॉडल है, जरा डिजाइनिंग मुख्तलिफ है, सिंपली वही चीज़ है जिसमें जो है ना इक्वल है डिजाइनिंग मुख्तलिफ है, सिर्फ सेम से जो है ना वो साइज इसका सेम है, 31 इंच साइज है और 18 इंच चौड़ाई है। कटिंग साइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कटिंग साइज जो है ना 1 से 1.5 इंच लंबाई में फर्क आएगा और चौड़ाई में 1 से 1.5 इंच जो है ना वो फर्क आएगा। और इसके अलावा हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये चाइना बर्नर के अंदर आ जाता है हमारे पास ना, ये मैं ओपनिंग करके चेक करवाता हूँ आपको। ये चेक करें जरा, ये भी इलेक्ट्रॉन कंपनी की हब है हमारे पास, हैवी ड्यूटी है और इसकी जो जाली है ये भी काफ़ी वजनी है, कंपनी ने लगाई हुई है। ये भी ऑटो ऑपरेट है, ऑटो मुकम्मल, ये सेल ऑपरेट होगा, सेल के साथ ये चलेगी और 3 बर्नर हो गए। इसके अलावा जो है ना आप इसकी प्राइसेस की बात आपको बता दूं, नॉर्मल जो प्राइस अभी चल रही है इसकी, ये 18,000 प्राइस चल रही है ये वाली हब की, इटालियन मॉडल की, हैवी ड्यूटी होगी और शीट भी जो ना काफ़ी मोटी है, सेफ्टी वाली शीट है, कितनी जल्दी जो है ना ब्रेकेबल नहीं होगी। नॉर्मल जो हब होती है उनकी जो शीट होती है वो 8 mm की लगी होती है, ब्रेकेबल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कंपनी ने 10 mm में शीट लगाई हुई है, ब्रेकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये जो है ना 18,000-18,500 तक जो है ना इसकी प्राइस है। ये वाली कंपनी है, इसमें सिल्वर ले लें, इसमें जो है ना ब्लैक ले लें, ब्लैक की प्राइस जो है ना वो 16,000 है और सिल्वर की प्राइस जो है ना वो 15,000 होगी इसकी। और ये जो 5 बर्नर के अंदर है, इसमें स्टेनलेस स्टील भी हमारे पास मॉडल आते हैं, वो भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। तो वैसे भी एक दो पिक्चर अपलोड कर दूंगा इसकी, स्टेनलेस स्टील के मॉडल की, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्टॉक आउट हुआ है। तो इसकी जो प्राइसेस अभी चल रही है 21,000 चल रही है ग्लास की और 19,500 जो है ना वो स्टेनलेस स्टील की प्राइस चल रही है। अभी हम आपको जो है ना वो कम प्राइस वाले जो है ना वो दिखाएंगे आपको। तो सस्ती वाली प्रोडक्ट है ये भी, यही चलती हैं मार्केट के अंदर, अच्छी डिमांड है इनकी भी, पर प्राइसेस में जो है ना ये कम होती हैं। इसमें जो है ना वो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है ग्लास, अभी ये जो है ना ये गुजरांवाला की बनी है सुपर कैनवुड के नाम से, समझ लगे कैनवुड कंपनी है उनकी, ये इसी कंपनियों ने कॉपी की होती है। तो ये सिंपली यही है, इसकी जो है ना ये बर्नर जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि ब्रास बर्नर है, इसके देखिए बर्नर है लोहे के जो है ना, लोहे की जो टिक्की लगाई हुई है सेम तीनों को, एज इजीली आपको नज़र आ रहा होगा। और बटन जो है ना ये जो है ना ये अच्छे लगाए हैं, बाकी ये जो कंपनियां लगाती हैं बड़ी कंपनियां बटन इसके वही लगे हुए हैं, और साइज में ये जो छोटी है, मैंने आपको रिव्यू दिया था कंप्लीट वीडियो में बताया कि 34 इंच और 31 इंच है, अभी इनका जो साइज है ये 28 इंच है, ठीक है। और चौड़ाई इनकी जो है ना वो 16 इंच होगी और कटिंग साइज जो है ना ये 1 इंच जो है ना वो कम होगा। और सिंपली ये भी सेल ऑपरेटेड है, जैसे वो बड़ी कंपनियों की हब जो है ना वर्किंग करती हैं वैसे ही ये कंपनी की हब वर्किंग करेगी। ये देख रहे होंगे आपको जो है ना स्पार्क नज़र आ रहा होगा, सेम इट इज जो है ना जैसे वर्किंग करते हैं। तो इसके अलावा इसमें काफ़ी मॉडल होते हैं, 15 से 16 मॉडल जो है ना ब्लैक कलर के हमारे पास आते हैं, 2-3 मॉडलों का आपको जो है ना रिव्यू देते हैं। और इसके अलावा जो है ना ये हब है हमारे पास, सिंपली वही है जैसे आपको दिखाई थी, ये जो है ना 28 इंच इसकी जो है ना लंबाई है और 16 इंच की चौड़ाई है, और बटन अच्छी कंपनी को लगाए हुए हैं स्टेनलेस स्टील के जो है ना ऊपर जो है ना बटन लगाए हैं। ये बटन की जो खासियत है ना ये गर्म नहीं होंगे, ये जो बटन लगाए हुए हैं नॉर्मल जो है ना प्लास्टिक के बटन भी कंपनियां यूज़ करती हैं, पर ये कंपनी ने अच्छे बटन यूज़ किए हुए हैं, ये गर्म नहीं होंगे ना। और दूसरा ये उन्होंने सेफ्टी दी हुई है, जहाँ पे बटन का जो फायर होगा वो इधर नहीं आएगा और बटन गर्म नहीं होगा, दोनों जगह पर जो है ना नॉर्मल जो है ना वो दूसरी जालियाँ यूज़ होती हैं ये वाली सादा, ठीक है। और ये कंपनी जो है ना ये सेफ्टी वाला जो है ना वो सिस्टम किया हुआ, अच्छा सिस्टम किया है साथ इसके, कि इसके साथ ये बटन भी नहीं गर्म होंगे और ये जो है ना अच्छी भी पायदार भी है। इसमें सस्ती होने की जो वजह है ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसमें जो है ना ये टिक्की है इसकी, ठीक है, ये वो देखी लगी हुई है, और ये जो इसकी शीट है ये 8 mm की है, ये जो आपको मैंने रिव्यू दिया था वो 10 mm की शीट का था, इसकी शीट जो है ना 8 mm की होगी, ठीक है। और साइज में भी ये छोटी है,
इसकी प्राइसेस की बात करें तो ये जो है ना 8 से 9 हज़ार में प्राइस है, ठीक है। मुख्तलिफ मॉडलों में प्राइस होती है 8 से 9 हज़ार के अंदर, ये जो है ना मार्केट में अवेलेबल है अभी की जो प्राइस चल रही है इसकी। और आपको जो है ना कुछ अच्छे मॉडल हल्की कंपनियों के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको ना, जिसमें ये आपने बर्नर देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां ये बर्नर नहीं यूज करती, इसे हम जो है ना इम्पोर्टेड बर्नर और चाइना बर्नर बोलते हैं। ये कम प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ जो है ना वो तैयार की है किसी कंपनी ने, सुपर कैनवर्ड कंपनी का नाम है, ठीक है। ये तकरीबन कैनवर्ड कंपनी की ही कापी जो है ना ये कंपनियाँ करती हैं। और ये जो है ना इसके बर्नर जो है ना जो फ्लेम जो है ना बिल्कुल सीधा आता है, फ्लेम ब्लू फ्लेम आता है, ये वो वाले बर्नर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैं खुद भी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छा रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह इसका। और इसकी जो शीट है, ये शीट जो है ना ख़राब होने वाली नहीं है, इसको कोई रगड़े वाली चीज़ लगे तो ख़राब होगी, अदरवाइज इसकी शाइनिंग अगर नॉर्मल जो है ना आप साबुन से करते हैं या किसी अच्छे कपड़े से सफाई करते हैं तो ये इसकी जो है ना ये शीट की जो है ना वो शाइनिंग वो ख़राब नहीं होगी। इसकी शाइनिंग ख़राब होगी जब इसको जो है ना वो खराश वाली कोई चीज़ लगेगी तो तब जैसे इसको खराशें आ जाएंगी इसके ऊपर। तो इसकी जो है ना मकम्मल बता दूं, ये चाइना बर्नर दोनों लगाए हुए हैं और दरमियान में जो है ना इंजेक्टर लगा हुआ है। ये चाइना बर्नर है, दोनों फ्लेम फायर फ्लेम होंगे, अच्छी फ्लेम देंगे, ब्लू फ्लेम देंगे। बटन की बात करें तो बटन ये स्टेनलेस स्टील के हैं, आप देख रहे होंगे इनकी शाइनिंग भी स्टेनलेस स्टील की है, सिल्वर शेड दे रहे हैं, ये बहुत प्यारे बटन है इसके, ठीक है। और इसकी प्राइसेस की बात करें, इसमें दो मॉडल आते हैं, एक में चाइना बर्नर है और एक में जो है ना ये जैसे ये इसी ग्लास आपके ऊपर जो है ना इंजेक्टर लगा हुआ है, ऐसे इंजेक्टर लगेगा। दोनों की प्राइसेस मुख्तलिफ हैं, इसकी प्राइस जो है ना वो 10,000 है, ठीक है। अगर इंजेक्टर लगेगी प्राइस लगे लेंगे तो वो उसकी प्राइस जो है ना वो 7,000 होगी, यानी कि 3,000 का डिफरेंट होगा चाइना बर्नर और इंजेक्टर में। ये बर्नर अच्छी क्वालिटी का, अगर कोई लगाना चाहे तो ये अच्छी चीज़ है कम प्राइस के अंदर। और दूसरा ये सेम मॉडल है हमारे पास, इसमें शीट के अंदर हमारे पास 24 से 25 मॉडल हैं, मुख्तलिफ डिजाइनिंग आती हैं इसके ऊपर, आप देख रहे होंगे ये बहुत खूबसूरत है और चमक भी आपको नज़र आ रही होगी, ऐसे ही इसकी शाइनिंग है जो आपको रियल में नज़र आ रही है। और इसमें तकरीबन 20 से 25 मॉडल हैं, टाइम शार्ट होने की वजह से आपको कम जो है ना मॉडलों का रिव्यू दे रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी मॉडल मिल जाएंगे। सेम इसी तरह इसकी भी प्राइस जो है ना वो 10,000 है, अगर आप इंजेक्टर यूज़ करते हैं इस तरह का, उसकी प्राइस जो है ना वो 7 से 8 हज़ार आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा।